चलिए एकदम ध्यान से, व्हाट वी आर डूइंग इज वी गोइंग टू रिवाइज द एंटायर टेक ओवर कोड इन एज शॉर्ट स्पैन एज पॉसिबल सो दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स इवेंचुअली विद द सेम वीडियो क्लिप। एकदम ध्यान से चलिए, हमने टेक ओवर कोड स्टार्ट किया था। टेक ओवर कोड एक्चुअली अगर इसको फुल फ्लेज्ड बोले तो दिस इज सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। सबसे पहला रेगुलेशन जो हमने देखा था दैट वॉज एलओडीआर रेगुलेशन 2000, याद करो 15। एलओडीआर रेगुलेशन 2015, ICDR रेगुलेशन 2009, ICDR रेगुलेशन 2009, और अब हमारे सामने आ रहा है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011। इसके सबसे पहले हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। सबसे पहले सिंपली अक्वायरर और टारगेट कंपनी मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। अक्वायरर रिफर्स द पर्सन जो कि अक्वायर कर रहा है एंड इंक्लूड्स PSE। टारगेट कंपनी रिफर्स टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट जिसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया था द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स कैसे जज किए जाएंगे? कोई भी एक कंपनी के शेयर्स देखेंगे हम ऑफ लास्ट 12 मंथ्स के शेयर्स देखे जाएंगे, उसका 10% अगर ट्रेड हुआ है पिछले लास्ट 12 मंथ्स के अंदर, देन द शेयर इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। फॉर एग्जांपल रिलायंस, उसके पिछले एक साल तक कितने शेयर्स थे तो हमने देखा उसकी कंपनी के टोटल शेयर्स थे 1 लाख शेयर्स, उसका 10% 10,000 शेयर्स। अगर पिछले 12 मंथ्स में 10,000 शेयर्स का बाय सेल हुआ है देन रिलायंस के शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। वहां पे हमने कहा कि अगर मान लीजिए सर इस ईयर के बीच में शेयर्स इशू हुए, बायबैक हुए, तो फिर वेटेड एवरेज लिया जाएगा। सो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर रिफर्स टू दैट शेयर जो पिछले 12 मंथ्स के अंदर टोटल शेयर कैपिटल का 10% ट्रेड हुआ है, और अगर सर 10% ट्रेड नहीं हुआ देन दैट विल बी टर्म्ड एज इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। सर इसका रेफरेंस कहां आएगा, काम कहां आएगा टेकओवर रेगुलेशन में? अब आपको पता होगा जब हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस, जब हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि पब्लिक ऑफर जो हम ओपन ऑफर दे रहे हैं उसमें प्राइस क्या रखनी है, तो प्राइस डिटरमिन करते हैं हमें चेक करना पड़ता है दिस इज फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। चलो यहां से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले बात की एकदम आराम से सेबी टेकओवर रेगुलेशन को लेके। ओपन ऑफर, ओपन ऑफर दो टाइप के, मैंडेटरी ओपन ऑफर एंड वॉलेंटरी ओपन ऑफर। सबसे पहले बात करते हैं मैंडेटरी ओपन ऑफर की। मैंडेटरी ओपन ऑफर के बारे में हमने डिस्कस किया कि ट्रिगर पॉइंट कब कब है। दो ट्रिगर पॉइंट है जब आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना होगा, 1 एंड 2। देर आर 2 ट्रिगर पॉइंट्स टू गिव मैंडेटरी ओपन ऑफर। द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट इज व्हेनेवर एन अक्वायरर इंटेंड्स टू बाय सच नंबर ऑफ शेयर्स दैट द एग्रीगेट होल्डिंग विल टच 25% और मोर। जब भी एक व्यक्ति इतने शेयर्स खरीदता है कि उसकी एग्रीगेट होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा हो जाएगी, तब उसको देना होगा पहले एक ओपन ऑफर। जब वो ओपन ऑफर देगा उसके बाद में वो ये शेयर्स खरीद सकता है। तो फर्स्ट द पर्सन हैज टू गिव एन ओपन ऑफर फॉर एटलीस्ट 26%। ये हो गया व्हेन एनी पर्सन अलोंग विद PSE इंटेंड्स टू अक्वायर सच नंबर ऑफ शेयर्स दैट द एग्रीगेट होल्डिंग वुड टच 25% और मोर, उस केस में आपको देना होता है एक ओपन ऑफर टू एटलीस्ट 26%। ये तो फर्स्ट केस हो गया, ठीक है सर। हम अगर दूसरे केस की बात करें, ये तो पहला हो गया कब ट्रिगर होता है, दूसरा कब ट्रिगर होता है? एनी पर्सन हु ऑलरेडी होल्ड्स 25% और मोर, एनी पर्सन हु ऑलरेडी होल्ड्स 25% और मोर शेयर एंड द पर्सन इंटेंड्स टू बाय हाउ मच मोर देन 5% एंड एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू बाय मोर देन 5% शेयर्स हैज टू गिव एन ओपन ऑफर इन अ फाइनेंशियल ईयर। Any person who intends to buy, any person who holds already 25% or more shares and he intends to buy more than 5% shares in one financial year, that person will have to give an open offer to at least 26%. क्लियर है दोनों ट्रिगर पॉइंट? जब कोई व्यक्ति पहली बार 25 टच करेगा ट्रिगर पॉइंट नंबर 1, और जब कोई व्यक्ति 25 पे है, कोई व्यक्ति 25 पे है और वो 25 या उससे ज्यादा ओन कर रहा है ऑलरेडी और वो किसी भी फाइनेंशियल में 5% से ज्यादा अगर खरीदना चाहेगा तब देना होगा एक ओपन ऑफर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ये दो ट्रिगर पॉइंट है। ये जो सेकंड वाली कंडीशन पढ़ाई कि एक साल के अंदर कोई व्यक्ति अगर 5% से ज्यादा अक्वायर करना चाहेगा तब देना होगा ओपन ऑफर, इसके अंदर एक इंप्लाइड मतलब आता है। सर इसका मतलब है इंप्लाइडली इसको दूसरे नजरिए से मैं देखूं कि एक व्यक्ति अगर एक साल के अंदर 5% तक शेयर्स अक्वायर करता है, एक व्यक्ति जो ऑलरेडी 25% या ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, वो अगर एक साल में अगर 5% शेयर्स अक्वायर करता है तो कोई ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो सर अगर मेरे पास आज 30% शेयर्स हैं तो अगर मैं 6% शेयर अक्वायर करूंगा तो ओपन ऑफर देना होगा ना, लेकिन मैं 5% अक्वायर करूंगा तो कोई ओपन ऑफर नहीं देना है। तो कंपनी को अक्वायर करने का एक और तरीका है, मैं 30 पे हूं, 5% दिस ईयर, 5% नेक्स्ट ईयर, 5% उसके नेक्स्ट ईयर, 5% उसके नेक्स्ट ईयर, 5% उसके नेक्स्ट ईयर, इस तरह मैं 55 पे पहुंच सकता हूं। दिस इज टर्म्ड एज क्रीपिंग एक्विजिशन। क्रीपिंग एक्विजिशन रिफर्स टू अक्वायरिंग अप टू 5% शेयर्स इन वन फाइनेंशियल ईयर।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया मैंडेटरी ओपन ऑफर। फिर हमारे ओपन ऑफर दो तरह के होते हैं, एक तो मैंडेटरी, लॉ ने आपको कह दिया कि आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना ही है। दूसरा आया वॉलेंटरी ओपन ऑफर। वॉलेंटरी ओपन ऑफर का बता, जब एक व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं मैंने ये शेयर नहीं खरीदे, मैंने ये शेयर खरीदे नहीं है 5% से ज्यादा। अ पर्सन हु ऑलरेडी होल्ड्स 25% शेयर, ही इज नॉट इंटेंडिंग टू अक्वायर 5% शेयर फ्रॉम एनी पर्सन, ही इज डायरेक्टली सेइंग कि मैं डायरेक्टली ओपन ऑफर दे रहा हूं। ट्रिगर नहीं हुआ उसके ऊपर। ट्रिगर कब होता कि मेरे पास 30% शेयर्स थे और मैं इंटेंट, मैं कोई शेयर परचेस अग्रीमेंट के तहत कितने शेयर्स खरीद रहा हूं, 6% 7% 5% से ज्यादा, 6 7 8 10 कितने भी शेयर्स खरीदूं तो ओपन ऑफर देना होगा, तो वो मैंडेटरी हो जाता। मैंने ये शेयर परचेस अग्रीमेंट किसी के साथ किया ही नहीं, मैं सीधा पब्लिक के सामने आया कि हे पब्लिक मैं आपको एक ओपन ऑफर देना चाहता हूं। दिस इज वॉलेंटरी ओपन ऑफर, जब आपके ऊपर ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं हुई है फिर भी आप ओपन ऑफर दे रहे हैं, वॉलेंटरी ओपन ऑफर। वॉलेंटरी ओपन ऑफर को देखिए, दो चीजें आपको बतानी चाहिए। पहली चीज एलिजिबिलिटी, अ पर्सन हु ऑलरेडी होल्ड्स मिनिमम 10% तो अक्वायर करना ही होगा, दो चीज। और तीसरी चीज ये थी जो कि एडिशनली पता हो तो अच्छा है, कि एक बार आपने वॉलेंटरी ओपन ऑफर दिया तो जब तक वो वॉलेंटरी ओपन ऑफर पीरियड चल रहा है और उसके 6 मंथ्स तक आप मार्केट से शेयर अक्वायर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट By giving another voluntary open offer or by a competing open offer. एकदम comfortable है। तो ये हुआ हमारा open offer की बात की। दो type के open offer होते हैं, mandatory open offer, उसके दो trigger point, voluntary open offer, उसके 3 points। एकदम clear है हम यहाँ पे? चलो। इसके बाद में हम लोग आए to a beautiful concept, conditional offer। एकदम आराम से। Conditional offer refers to a offer which contains what a minimum level of acceptance. Conditional offer refers to an offer in which the acquirer specifies a minimum level of acceptance. That if this minimum level is accepted, if this minimum level is received, then only I will buy all the shares under this open offer and under the share purchase agreement. Example, if at all today I am entering into a contract with Mukesh Ambani that I will buy 30% shares from you. Okay, now I need to give an open offer. Under this open offer, I want कि at least मैं 26% को public को दे रहा हूँ, but मुझे 21% तो मिलना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे minimum level of acceptance लिख दिया 21%, ताकि 30 plus 21, 51 would make some sense। तो मैंने ये 30% का जो contract है, इसमें भी लिख दिया condition, और जो open offer दे रहा हूँ, यहाँ पे भी दे दिया condition, कि भाई साहब, अगर public से मुझे 21 आए, तो ही मैं ये 21 खरीदूंगा, जितने भी आए वो खरीदूंगा, और तभी मैं शेयर परचेस अग्रीमेंट को भी ऑनर करूंगा। अगर मान लीजिए मैंने ओपन ऑफर दिया 26 को, पब्लिक से मुझे 15% ही आए, तो मैं ना 15% में एक भी शेयर खरीदूंगा, ना ही मैं 30% खरीदूंगा। दिस इज टर्म्ड एज अ कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर मीन्स एन ऑफर इन विच अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इज मेंशन्ड। If that minimum level of acceptance is not received, the person will not buy any share from the public offer or nor from the share purchase agreement. Conditional offer, condition है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए मुझे, वरना एक भी नहीं खरीदूंगा। Are you understanding? ठीक है। उसके बाद में आया ऑफर प्राइस। एकदम ध्यान से, ऑफर प्राइस हमने पढ़ा, नोट्स में नहीं, आपको याद आना चाहिए। हमने सबसे पहले बात की ऑफर प्राइस के केस में, कि ये प्रोविजन सेबी ने कह दिया कम से कम मिनिमम इतना प्राइस तो आपको पब्लिक मैक्स, एकदम आराम से, हाइएस्ट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मिनिमम प्राइस। कम से कम मिनिमम ये प्राइस तो आपको पब्लिक को देना ही है, इससे ज्यादा आप देना चाहे तो दे सकते हैं, बट ये मिनिमम प्राइस है कि कम से कम ये तो आपको देना ही है। अब आपसे पता कि पूछा जाएगा सबसे पहले कि आपके कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। एकदम आराम से, सर अगर हमारी कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, टारगेट कंपनी की बात हो रही है कि टारगेट कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो ये 4 फॉर्मूले में आपकी प्राइस कैलकुलेट की जाएगी। इन चारों में जो हाइएस्ट होगा दैट वुड बी द मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज्ड। ये चारों का जो हाइएस्ट आएगा दैट विल बिकम द मिनिमम प्राइस, कि कम से कम इतना तो आपको पब्लिक से, इतना तो आपको पब्लिक को देना ही है, इतना तो कम से कम आपको पब्लिक को देना है, इससे ज्यादा देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। सर वो चार चीजें क्या होगी इफ द शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड? फर्स्ट, हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस अंडर द शेयर परचेस अग्रीमेंट। हाईएस्ट प्राइस जो आप शेयर परचेस अग्रीमेंट के तहत दे रहे हैं, हाईएस्ट प्राइस जो अक्वायरर ने दिए इन लास्ट 52 वीक्स वाला क्या था? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था, याद करके बैठे सेकंड वाला ध्यान रखो।
पिछले एक साल में जितने भी शेयर्स अक्वायरर ने अक्वायर किए उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज, और पिछले सिक्स मंथ्स में जितने भी अक्वायर किए उसमें जो हाईएस्ट प्राइस पे किए, ये हमने पढ़ा था। एकदम ध्यान से वापस बात कर रहे हैं कि सबसे पहले पूछा जाएगा द शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। सर शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड देन हाउ विल यू कैलकुलेट, ये चार चीजें आएगी। सबसे पहला हाईएस्ट प्राइस पेड अंडर द शेयर परचेज अग्रीमेंट, सेकेंड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द एक्विजिशन मेड बाय एक्वायरर इन लास्ट 52 वीक्स वन ईयर, उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज। उसके बाद में थर्ड चीज हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एक्वायरर टू अक्वायर एनी शेयर इन प्रीसीडिंग 26 वीक दैट इज 6 मंथ्स, एंड लास्ट आ जाता है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस इन लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज। चार फॉर्मूले से चार प्राइस निकलेगी और इन चारों में से जो हाईएस्ट होगा दैट विल बी द मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज्ड, दैट विल बी द कम द मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज। सर इफ द शेयर्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, फर्स्ट पॉइंट वैसा का वैसा हाईएस्ट प्राइस पेड अंडर द शेयर परचेज अग्रीमेंट, सेकंड पॉइंट भी वैसा का वैसा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द शेयर्स अक्वायर्ड बाय अक्वायरर इन प्रीसीडिंग 52 वीक्स, थर्ड भी वैसा का वैसा हाईएस्ट प्राइस पेड बाय अक्वायरर इन एनी एक्विजिशन ऑफ लास्ट 26 वीक। लास्ट पॉइंट चेंज हो जाएगा, लास्ट पॉइंट जो 60 ट्रेडिंग डेज का एवरेज लेने वॉल्यूम वेटेड एवरेज उसकी जगह पे आ जाएगा, द कंपनी अलॉन्ग विद द मैनेजर विल डिटरमिन द प्राइस कंसिडरिंग अ फ्यू थिंग्स। खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा? तो दिस इज अबाउट द ऑफर प्राइस, कि पब्लिक ऑफर जो 26% का दे रहे हैं ओपन ऑफर, उसमें आपको पब्लिक को कम से कम इन चारों की हाईएस्ट प्राइस तो देनी ही होगी। चिपक रहा है एकदम आराम से। ये हुआ था हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर का टॉपिक। उसके बाद में हमने एक टॉपिक पढ़ा पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। एकदम आराम से कोई नोट्स में देखिए, आपको याद आना चाहिए जिस दिन ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर हुआ उसी दिन मुझे देना होगा शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज, टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके अगले दिन मुझे देना होगा ये स्मॉल पब्लिक अनाउंसमेंट टू टारगेट कंपनी एंड सेबी, इन दोनों को देना, ठीक है। उसके बाद में डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, जिस दिन मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया, जिस दिन ट्रिगर हुआ उसी दिन दिया, उसके विदिन 5 डेज मुझे डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देगा 4 न्यूज़पेपर में, हिंदी नेशनल, इंग्लिश नेशनल, रीजनल नेशनल, और मेरा स्टॉक एक्सचेंज जहां पर है वो रीजनल लैंग्वेज में भी। सर स्टॉक एक्सचेंज 2-3 है, तो जहां पे आपका सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है उस एरिया के रीजनल न्यूज़पेपर में भी देना है, इन 4 न्यूज़पेपर में देना है। सर डिटेल दे दिया, उसके अलावा ये डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट आपको इन तीनों को भी देना है। किन तीनों को? जिनको ऊपर दिया, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी टारगेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, इन तीनों को भी देना है। एकदम चिपका हुआ दिमाग में, कंफ्यूजन ही नहीं है? चल इसके बाद में प्रोविजन ऑफ एस्क्रो एकदम ध्यान से देखेंगे ही नहीं, एकदम आराम से। सबसे पहला सवाल आता है कि सर एस्क्रो को लेके 2 सवाल आएंगे कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा कराना है, हाउ मच अप टिल व्हेन, हाउ मच एंड अप टिल व्हेन। सबसे पहले हाउ मच का आंसर करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके जो टोटल कंसिडरेशन पेबल आ रहा है, सर टोटल कंसिडरेशन पेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको कितने शेयर्स पे ओपन ऑफर देना है? सर 26%। नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स में बताओ। सर वो तो डिपेंड करता है कंपनी के टोटल शेयर्स कितने। मान लो कंपनी के टोटल शेयर्स 5 लाख हैं, तो 5 लाख का 26% हो जाएगा, ठीक है। ये शेयर्स जो है मल्टीप्लाइड बाय दी ऑफर प्राइस यू आर ऑफरिंग, ये आ जाएगा कि आपका टोटल कंसिडरेशन पेबल हो सकता है। ये टोटल कंसिडरेशन पेबल पे जो फर्स्ट 500 सीआर का 25%, एनीथिंग ओवर एंड अबव का 10%। तो अगर हमारा टोटल कंसिडरेशन पेबल आ रहा है 600 सीआर, तो 500 सीआर का 25%, 125 सीआर, और 600 के बचा हुआ 100 का 10%, 10 सीआर, 135 सीआर हो जाएगा कि ये अमाउंट हमें एस्क्रो में डिपॉजिट करना है। सर अगर 1000 सीआर हुआ तो 500 का 25%, बचे हुए 500 का 10%। इस तरह से आप कैलकुलेट कर देंगे कि कितना अमाउंट आपको एस्क्रो में डिपॉजिट करना है। हाउ मच इज क्लियर? अप टिल व्हेन, एकदम आराम से क्या लिखा है, 2 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। जिस दिन डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है उसके 2 दिन पहले तक आपको पूरा पैसा एस्क्रो में जमा करवा देना है। तो हम कहते हैं कि जिस दिन ट्रिगर हुआ उसके 5 दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, तो उसके 3 दिन के अंदर आपको ये करा देना है डिपॉजिट इन द एस्क्रो अकाउंट। एकदम आराम से एस्क्रो अकाउंट का प्रोविजन क्लियर होता है हमारा एकदम आराम से। उसके बाद में आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं है, कि आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सबमिट करना होता है उनको, फिर डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर किसको सबमिट करना है? सेबी को। कितने दिन पहले? 5 डेज पहले देना है। उसके बाद में यही आपको देना होता है टू शेयर होल्डर्स ऑल्सो। फिर आपका ऑफर ओपन हो जाता है मिनिमम 10 डेज के लिए, और जिस दिन सारा आपका सारा कंप्लीट हो गया लास्ट डे, उसके 10 डेज के अंदर आपको सारा कंप्लायंस भी करना है, लोगों को पैसे वगैरह देके खत्म कर दें। इट्स अ वेरी मिनिमल थिंग, जस्ट एक रफ आइडिया होगा तो भी आपके लिए काफी है प्रोसीजर।
अब मैं आता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछता है, दैट इज अबाउट डिस्क्लोजर अंडर टेकओवर कोड. बहुत ही मासूमियत से खत्म भी हो जाएगा. डिस्क्लोजर अंडर टेकओवर कोड एकदम आराम से. सबसे पहली बात होती है कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के 2% शेयर्स हैं, मैंने उस कंपनी के 2% शेयर्स और अक्वायर कर लिए, डिस्क्लोजर देना है क्या? नहीं देना है. अभी मैं कहां पर आ चुका हूं? 4% पे, द 4% पे आ चुका हूं. द मोमेंट आई बाय 1 more% शेयर, आई नीड टू गिव डिस्क्लोजर. जब भी कोई व्यक्ति अलोंग विद पीएससी किसी भी कंपनी के 5% शेयर्स अक्वायर कर लेती है, तब आपको डिस्क्लोजर देना अनिवार्य है. सर डिस्क्लोजर किसे देना है? दो लोगों को, स्टॉक एक्सचेंज एंड द टारगेट कंपनी. कितने समय में? टू वर्किंग डेज में इन दोनों को आपको डिस्क्लोजर देना है. क्लियर है हम यहां पे? ठीक है साहब. अब सर ये डिस्क्लोजर कब देना है? जब आपने पहली बार 5% टच कर दिया. ठीक है सर. उसके बाद में सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड क्या कहता है? एक बार आप 5% वाली कैटेगरी में आ गए, अब आप कभी भी आपकी शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा होती है या 2% से ज्यादा कम होती है, चेंज इन शेयर होल्डिंग वेन एवर इट एक्सीड्स 2% यू हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर. सर कैसे? क्या एकदम आराम से. मैं आज 5% पे हूं, ठीक है. मैंने 1% शेयर एक्वायर कर लिए, कोई मतलब नहीं है. लेकिन मैंने 3% शेयर एक्वायर कर लिए, आई नीड टू गिव डिस्क्लोजर. वेन एवर चेंज इन होल्डिंग विल बी एक्सीडिंग 2%, आई नीड टू गिव अ डिस्क्लोजर. एकदम आराम. चलो एग्जाम्पल से की बात करते हैं. मेरे पास एक कंपनी के एक भी शेयर नहीं है, मैंने 4% शेयर खरीद लिए. मैंने अब 2% शेयर खरीद लिए, 5% टच किया ना, डिस्क्लोजर. अब मैंने 2% शेयर और खरीद लिए, नो डिस्क्लोजर. यही तो मैं आपको फोकस कर रहा हूं, एक्सीडिंग 2% पे डिस्क्लोजर है, 2% पे भी डिस्क्लोजर नहीं है. तो मैंने अभी 2% बाय कर लिया, मुझे डिस्क्लोजर नहीं देना है. लेकिन अब अगर मैं 1% भी बाय करूंगा तो मेरा टोटल एक्सीडिंग 2% से ज्यादा हो जाएगा ना, ये एग्रीगेट में चलता है, तो मुझे फिर डिस्क्लोजर देने होंगे. तो जब भी एक व्यक्ति 5% वाला ओन कर चुका, उस लिमिट में आ गया, फिर उसकी लिमिट हो जाएगी 2% से ज्यादा. जब भी 2% ज्यादा अक्वायर किए या 2% ज्यादा सेल किए, आपको डिस्क्लोजर देना है. सर डिस्क्लोजर किसको देना है? स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी विद इन 2 working days. तो मैं इसकी पूरे की समरी बताऊं तो इट्स वेरी सिंपल. आज मेरे पास 1% शेयर है, एकदम मस्ती में मैंने 3% शेयर्स और खरीद लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4% हो गए. अब मैंने 1% और अक्वायर कर लिए, डिस्क्लोजर. 5% अच हो गया. अब जैसे 5% अच हो गया, अब जब भी मैं 2% ज्यादा शेयर बाय करूंगा, 2% ज्यादा शेयर सेल करूंगा, आई नीड टू गिव डिस्क्लोजर. इज दैट क्लियर? ये हो गया इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, कि ये इवेंट होंगे 5% पे आया या फिर उसका 2% ज्यादा खरीद बेच रहे हो तब आता है डिस्क्लोजर. नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर. कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर कहता है एनी पर्सन हु ओन्स 25% और मोर शेयर हैज टू कंपल्सरीली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर विद इन 7 days डिस्क्लोज के इस साल मेरी शेयर होल्डिंग में क्या चेंज हुआ. मेरे पास 25% शेयर थे, इस साल भर मैंने 1% शेयर ही खरीदे, ठीक है, ईयर एंड पे बता दूंगा, अब मेरे हो गए 26% है. अगले साल भर 26 ही रहे, फिर भी अगले ईयर एंड पे मुझे बताना है इस साल मेरे कितने, 26%. इट इज कंटिन्यूअल, हर ईयर एंड पे, ईयर एंड हुआ उसके 7 days के अंदर, 7 working days फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March, जैसे ईयर एंड हुआ उसके 7 days के अंदर आपको बता देना है. सर किसको बताना है? इन्हीं दोनों को, एंड द टारगेट कंपनी, कि हमारी इस साल की होल्डिंग कितनी है. सर किसको बताना है? एनी पर्सन होल्डिंग 25% और मोर, सॉरी आई एम सॉरी, एनी पर्सन इज होल्डिंग मोर देन 25%, माई मिस्टेक, एनी पर्सन इज होल्डिंग मोर देन 25%, एनी पर्सन इज होल्डिंग मोर देन 25%, दैट पर्सन नीड्स टू डिस्क्लोज. एकदम सिंपल चल रहा है. तो पहले दोनों हो गए इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, ये हो गया आपका कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर. कि सर मैंने अगर मान लीजिए कुछ भी होल्डिंग चेंज ही नहीं किए तो भी डिस्क्लोज करना है, तो भी डिस्क्लोज करना. अगर आपकी होल्डिंग चेंज नहीं भी हुई तो भी आपको यहां पे डिस्क्लोजर करना, दैट इज कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर. इसका चैप्टर खत्म हो जाता है. सर ये एंड में क्या है? अगर आपने प्लेज क्रिएट की तो भी डिस्क्लोज करना है, आपने प्लेज क्लोज की, आपने प्लेज को कवर कर लिया, खत्म, आपने उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तब भी डिस्क्लोज करना है. विद इन 7 days टू स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स आर लिस्टेड एंड टारगेट कंपनी, सेम चीज है. सो दिस इज टेक ओवर कोड. Are you understanding? तो इसको अगर आप समरी तरीके से देखें, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बट इट इज जस्ट दैट द कॉन्सेप्ट्स आर टू ट्रिकी. 15 मिनट के लेवल पर आने में हमको बहुत दिन लग गए थे, तो इट इज जस्ट कि इसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहेंगे तो आपके जहन में ये हमेशा बैठा रहेगा. देख लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो, एंड देन वील स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. कोई डाउट है तो बोल दीजिए मुझको, आराम से घुमा लीजिए.